ओके, सबसे पहले तो वेलकम ऑन टेली मसाला। थैंक यू सो मच। मुंबई में और पूरे देश भर में गरबे की बहुत ही ज्यादा धूम रहती है, सबसे पहले तो आप लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं गरबा को? हम तो बहुत ही एक्साइटेड है, आई लव नवरात्रि, दिस इज माई फेवरेट फेस्टिवल। तो हम तो बस एक्साइटेड रहते हैं कि साल में कब नवरात्रि आए हम खेले। ऐसे ज़्यादा वक्त तो नहीं मिलता, पर 9 दिनों में 1-2 दिन हम निकाल लेते कि हम खेल पाए। ऑफकोर्स अहमदाबाद बहुत मिस करते होंगे। ऑफकोर्स हम यहाँ शूट कर रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद में बहुत ही मज़ा आता है नवरात्रि में। मैं लास्ट ईयर बहुत ही बड़े फंक्शन में गया था, इस बार तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आज हम सेट पर ही नवरात्रि का यह सीजन शूट कर रहे हैं। बहुत ही जो टेलीकास्ट होना है नवरात्रि के टाइम पे, तो हम वो नाइट शूट भी करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। हम नवरात्रि का मज़ा यहीं पे मुंबई में हमारे सेट पे उठाने वाले हैं। हम भी वैसे प्रो नहीं है गरबा में, हम भी बिगनर्स ही है और बहुत कम आते हैं। हम भी डांस कोरियोग्राफर जैसे कहते हैं वैसे हम भी कर लेते हैं, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। चलो बहुत ही मजेदार फेस्टिवल होता है ये, लेकिन थकान भी बहुत लगती है। और लेकिन गुजरात में अहमदाबाद में तो लोग 5-5 सुबह 6 बजे तक गरबा करते हैं, और वो भी विथाउट एनी रोक टोक नॉन स्टॉप। तो बहुत ही मजा आता है, और एक बार जब आप उस माहौल में चले जाते हैं तो फिर अपने आप को गरबा करने से रोक नहीं पाते, ना पैर अपने आप ऐसे थिरकने लगते हैं कि भाई नहीं अभी तो खेलना, अच्छा अभी ये वाला स्टेप वो वाला स्टेप। सो इट्स यू नो एकदम बोलते हैं ना कि सारी चीज़ों को भुला कर बस 6-7-8 घंटे गरबा खेल लो, दैट्स इट। यस। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने एक गुजराती नवरात्रि के लिए मैंने गुजराती एल्बम, जो कि एक्चुअली हिंदी में है, 1-2 लाइन ही उसकी गुजराती है, बाकी वो सारा पूरा वीडियो एल्बम हिंदी में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली नवरात्रि फेस्टिवल के लिए बना गया है। सो आई थिंक विद इन 3-4 डेज वो रिलीज़ भी हो जाएगा, और आज उसका टीज़र आ रहा है। सो प्लीज़ उसको देखिए, लाइक करिए और खेलिए नवरात्रि। अच्छा, आप लोगों ने डांडिया भी खेला, आप लोगों को कोई ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों को चोट लगी हो किसी ने दुश्मनी से या कोइंसिडेंटली मार दिया हो, हिट कर दिया ऐसा कुछ? मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दीदी का बहुत है, बताइए। मेरा तो अभी रिसेंटली हुआ, 2-3 दिन पहले मैं जब इस एल्बम सॉन्ग के लिए गई थी, तो मेरा जो को पार्टनर था वो हम रिहर्स करते करते 1-2 बार ऐसे यहाँ लग गया, तो सारे निशान भी है, थोड़ा थोड़ा लग जाता है कभी कभार उंगलियों में, बट देन इट्स ओके, मज़ा आता है। अच्छा, एज यू ऑल नो कि आप लोग शूट कर रहे हैं, तो टाइम इतना नहीं मिलेगा कि शायद आप अपने होम टाउन जाकर वो परफॉर्म कर सके या फिर खेल सके, तो मुंबई में 9 दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल चलता रहता है, कब आप लोगों को टाइम मिलेगा और आप लोग जा पाएंगे? सो सब टीवी हमारे लिए बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाली है, तो हम ऑफ कोर्स उसमें जाएंगे और कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स में भी जाएंगे, एज अ गेस्ट अपीयरेंस जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे सेट पर जो शूट हो रहा है उससे में हम एंजॉय कर लेंगे। और आप बताइए? हाँ, हमारा भी वही सेम टू सेम, जहाँ भाई वहाँ बहन। सो टेली मसाला के सभी व्यूअर्स को मेरे यानी बालवीर की तरफ से और मस्ती परी यानी कि कृतिका देसाई की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।